साइबर सिटी एक बार फिर गैंगवार में चली गोलियों की आवाज से गूंज उठी। गुरुग्राम के नाहरपुर इलाके में दिन दहाड़े तीन अज्ञात बदमाशों ने 30 से 35 वर्षीय महिला की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। महिला को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। पुलिस की माने तो मृतका गैंगस्टर कौशल के गुर्गे अमित डागर की भाभी बताई जा रही है। आज 11:50 के लगभग सुबह हमें सूचना मिली थाने में कि राजीव कॉलोनी नाहरपुर रूपा में गोल्ड फील्ड पब्लिक स्कूल के पास गोली चली है। तो सूचना पाकर हम घटनास्थल पर पहुंचे, क्राइम टीम्स भी घटनास्थल पर आई हैं। यहाँ आके देखा तो उससे पहले जो इंजर्ड लेडी थी उसको लोकल रेजिडेंट्स मेदांता हॉस्पिटल लेके जा चुके थे। अभी सूचना मिली है कि वहाँ उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। सर, कितने राउंड गोली चली और कौन लोग थे, कुछ पता पर लगाए के मारने वाले किस चीज़ पे आए थे? मारने वाले एक मोटरसाइकिल पे आए, तीन लोग थे। अभी आइडेंटिफाई नहीं हो पाए हैं, उसमें इंक्वायरी कर रहे हैं। और उन्होंने लगभग 5 या 6 राउंड चलाए। महिला हाउसवाइफ है और इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी गांव में और लोगों से दुश्मनी चल रही है। अभी जब से हम मौके पर आए काफ़ी लोगों से हमने पूछताछ करी है और नाम भी पता करने की कोशिश की, लेकिन गांव के जो लोग हैं वो इतने डरे हुए हैं, पहले जो घटना यहाँ हो चुकी है उसकी वजह से कोई भी खुल के नाम नहीं बता पा रहा है और ना ही अभी तक कोई कंप्लेंट देने के लिए तैयार हुआ है। आपको बता दें कि इन्वेस्टर समिट के चलते सीएम मनोहर लाल खट्टर समेत प्रदेश के कई मंत्री एवं केंद्रीय मंत्री इस समिट में हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा के तमाम इंतजाम होने के बावजूद खाकी से बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम देकर पुलिस के तमाम दावों की हवा निकाल दी।